दोस्तों, अगर आपका एक YouTube चैनल है या फिर कोई वेबसाइट है या फिर कोई बिजनेस आप करते हैं, तो उस चीज़ को ग्रो करने के लिए आपको प्रमोशन की ज़रूरत पड़ती है। और किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए सबसे अच्छा जरिया है Google Ads। अब यहाँ पे मैं Google Ads का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो Google है उसकी रीच सबसे ज़्यादा होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि सबसे ज़्यादा लोगों तक उसकी पहुँच होती है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप अगर एक YouTube चैनल ओन करते हैं और उसको प्रमोट करना चाहते हैं, उसको ग्रो करना चाहते हैं, तो आप Google Ads के थ्रू किस तरह से अपने YouTube चैनल को प्रमोट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को डिटेल से जानने के लिए मैं आपको ले चलूँगा अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे और वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि किस तरह से आप अपने किसी वीडियो को प्रमोट करवा सकते हैं और कम से कम पैसे खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ और सब्सक्राइबर गेन कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मेरी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सिंपली सर्च कर लेना है गूगल एड्स। मैं सर्च कर लेता हूँ और आपको गूगल एड्स की जो वेबसाइट है वो मिल जाएगी यहाँ पे। फर्स्ट नंबर पे ads.google.com। तो यहाँ पे आपको चले जाना है। अगर आपने गूगल एड्स पे अकाउंट अभी क्रिएट नहीं किया है तो आप क्रिएट करके 2000 रुपये तक का बेनिफिट ले सकते हो, यानी कि आप जब फर्स्ट बार गूगल एड्स में साइन अप करोगे तो वो आपको 2000 रुपये तक का बोनस देंगे। यानी कि आप अगर 1000 रुपये का ऐड चलाते हो तो 1000 रुपये गूगल की तरफ से आपको मिलेगा और अगर 2000 रुपये का चलाते हो तो 2000 रुपये गूगल की तरफ से मिलेगा। तो यहाँ पे मैं गेट स्टार्टेड कर देता हूँ। तो अभी हम आ चुके हैं गूगल एड्स के होम पेज पे और यहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाता है न्यू कैंपेन का। तो यहाँ पे आपको न्यू कैंपेन को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो यहाँ पे मैं न्यू कैंपेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। न्यू कैंपेन सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पे आपको क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस सेट कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको वीडियो सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पे आपको कस्टम वीडियो कैंपेन को सेलेक्ट करके रखना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे जहाँ पे आप मैन्युअली सब कुछ सेट कर सकते हो कि आपको किस तरह से अपनी वीडियो प्रमोट करनी है, यानी कि एक एक चीज़ जो है वो आपको गौर से देखनी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि किस तरह से आपको अच्छे से अपनी वीडियो जो है प्रमोट करवानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आपको कैंपेन नेम सेट कर लेना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे कैंपेन नेम सेट कर लेता हूँ वीडियो प्रमोशन न्यू। उसके बाद यहाँ पे आपको बिडिंग स्ट्रेटजी मिल जाता है, यहाँ पे आपको मैक्सिमम कॉस्ट पर व्यू पे सेलेक्ट कर लेना है ताकि जब भी गूगल आपकी वीडियो को प्रमोट करे तो वो आपको कॉस्ट पर व्यू के हिसाब से पैसा देना पड़े। यानी कि कॉस्ट पर व्यू का मतलब ये होता है कि आपकी वीडियो जितने लोग देखेंगे तभी आपको पैसा देना होता है। लेकिन यहाँ पे जो आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है CPM का, इसका मतलब ये हुआ कि कितने लोगों तक आपकी वीडियो का थंबनेल पहुँच रहा है। अब उन्होंने वीडियो देखी नहीं देखी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उनके सामने वीडियो का थंबनेल दिखाई दिया तो आपको पैसा तब भी देना पड़ेगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे मैक्सिमम CPV यानी कि कॉस्ट पर व्यू सेलेक्ट करके रखना है। अब यहाँ पे बजट देख लेते हैं। बजट के ऑप्शन पे आपको डेली का बजट सेट करना है, तो यहाँ पे डेली सेलेक्ट कर लेना है और आप एक दिन में कितने पैसे खर्च करना चाहते हैं अपने वीडियो में वो आपको सेट कर लेना है। मान लीजिए मैं 100 रुपये इसको सेट कर लेता हूँ और यहाँ पे आप स्टार्ट डेट आज से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज की डेट सेलेक्ट कर लेंगे, कल से स्टार्ट करना चाहते हैं तो कल की डेट सेलेक्ट कर लेंगे और एंड डेट यानी कि जब आप इस कैंपेन को एंड करना चाहते हो यहाँ पे आप उसे सेट कर सकते हैं। अभी मैं इसको सेट नहीं करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क ऑप्शन पे आपको इस लास्ट वाले को डिसलेक्ट कर देना है और बाकी ऊपर के दो को सेलेक्ट रखना है। यहाँ पे आपको लैंग्वेजेस का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप जिस लैंग्वेज में वीडियोस बनाते हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरी वीडियोस हिंदी में होती है। यहाँ पे आपको लोकेशन का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप को किस जगह पे अपनी एड्स रन करनी है। यहाँ पे केवल अगर आप अपनी वीडियो की जो एड्स हैं वो इंडिया में शो करना चाहते हैं तो आप इंडिया को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे अदर कंट्रीज़ में भी रन करना चाहते हैं एड्स को तो यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि नेपाल और नेपाल भूटान या बांग्लादेश, इन कंट्रीज़ में जो एड्स के रेट होते हैं वो सस्ते होते हैं इसलिए इन कंट्रीज़ में भी आप अपने ऐड को रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नेपाल सेलेक्ट कर देता हूँ, उसके अलावा इंडिया सेलेक्ट कर देता हूँ,
और इस तरह से जितनी भी कंट्रीज़ आप सेलेक्ट करना चाहें यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप आ जाते हैं इन्वेंट्री टाइप पे, तो यहाँ पे आपको एक्सपेंडेड इन्वेंट्री पे सेलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद आपको मिलता है एक्सक्लूड टाइप्स एंड लेबल्स, तो यहाँ पे आपको इन दोनों को सेलेक्ट कर लेना है और कंटेंट नॉट येट लेबल्ड को डिसलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे कन्वर्जन के बाद आपको डिवाइस का ऑप्शन मिलता है। तो डिवाइस का मतलब ये हुआ कि आप कौन कौन सी डिवाइस पे अपने ऐड दिखाना चाहते हैं। अगर आप कम पैसे में ज़्यादा व्यूज़ लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे टीवी, टैबलेट और कंप्यूटर को डिसलेक्ट कर लेना है और केवल मोबाइल फ़ोन को सेलेक्ट रखना है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में ही जो एड्स के रेट होते हैं वो सबसे कम होते हैं। उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी कैपिंग को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको कैप व्यू फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको 1 डाल देना है और पर डे की जगह पर मंथ सेलेक्ट कर लेना है। इसका मतलब ये है कि आप एक पर्सन को अपनी ऐड कितने बार दिखाना चाहते हैं। तो अगर आप बार बार उसको दिखाओगे अपनी ऐड तो वो इरिटेट हो जाएगा, इसलिए एक आदमी को एक महीने में एक ही बार आप अपनी ऐड दिखाना चाहते हैं इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऐड शेड्यूल को स्किप कर देते हैं। ऐड ग्रुप नेम, यहाँ पे आप ग्रुप नेम जो भी डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, मैं इसको फ़िलहाल ऐसे ही रहने देता हूँ। यहाँ पे आप डेमोग्राफिक सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको जो ऑडियंस चाहिए उस ऑडियंस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे मेल, फीमेल और अननोन तीनों को सेलेक्ट करके रखता हूँ, यहाँ पे अननोन को डिसलेक्ट कर देता हूँ। एज ग्रुप, यानी कि मैं जिस एज ग्रुप को अपनी वीडियो दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे मैं उनको सेलेक्ट कर लूँगा। अब मेरी जो एज ग्रुप है ऑडियंस का वो लगभग 18 से 44 साल के बीच ही रहता है, इसलिए मैं इनको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। और यहाँ पे पेरेंट्स, नॉट पेरेंट्स, इनको सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपका जो भी ठीक लगे आपको आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑडियंस वाले ऑप्शन को स्किप कर देते हैं, कीवर्ड, टॉपिक और प्लेसमेंट को भी स्किप कर देते हैं। अब आ जाते हैं बिडिंग पे। अब यहाँ पे बिडिंग का मतलब ये हुआ कि जो आप गूगल को पैसा देना चाहते हो एक व्यू के लिए वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप 0.10 सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 10 पैसा आप एक व्यू का देंगे। और आजकल जो एड्स के रेट हैं लॉकडाउन की वजह से वो एड्स के रेट कम है, तो आपको 10 पैसे में भी व्यूज़ मिल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने वीडियो का लिंक कॉपी कर देना है। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इस वीडियो को अगर मुझे प्रमोट करवाना है तो यहाँ पे मैं वीडियो का लिंक कॉपी कर लूँगा और सिंपली इस तरह से आपकी वीडियो यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड और वीडियो डिस्कवरी ऐड। यहाँ पे भी जो इन स्ट्रीम ऐड हैं ये वो ऐड होते हैं जो कि जब आपने देखा होगा कोई वीडियो आप देखना शुरू करते हैं तो उसके स्टार्टिंग में, बीच में या फिर जो एंड में ऐड आते हैं वो होते हैं इन स्ट्रीम ऐड। तो वो ऐड जो होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, इसलिए इसको आपको सेलेक्ट नहीं करना है। आपको करना है वीडियो डिस्कवरी ऐड, यानी कि जब आप स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं यूट्यूब एप्लीकेशन में तो आपको जो एड्स दिखाई देते हैं वो होते हैं वीडियो डिस्कवरी ऐड, तो आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको जो भी थंबनेल चूज़ करना हो आप उसे चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं हेडलाइन डाल देता हूँ, जो मेरी वीडियो है उसको मैं डाल लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख दूंगा। यहाँ पे आपको जो बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे किसी कंपनी का नेम नहीं लिखना है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप, इस तरह से नहीं लिखना है। आप उसको चेंज करके लिख सकते हैं, उसकी स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक करके लिख सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्टली कंपनी का नाम नहीं लिखना है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ और लिख देता हूँ, बेस्ट अर्निंग ऐप, यहाँ पे भी लिख देता हूँ बेस्ट अर्निंग एप्स इन 2020। यहाँ पे एड नेम मैं लिख लेता हूँ, एड नेम मैं ऊपर वाला ही डाल देता हूँ। उसके बाद ये सब हो जाने के बाद आपको कर देना है क्रिएट कैंपेन, और आपकी जो एड है वो स्टार्ट हो जाएगी विद इन कुछ आवर के, और यहाँ पे आपको कर देना है कंटिन्यू टू कैंपेन। बस यहाँ पे जो आपकी कैंपेन है वो
क्रिएट हो चुका है। अब कुछ घंटों बाद गूगल जब इस ऐड को या इस कैंपेन को वेरीफाई कर देगा, उसके बाद आपकी ऐड जो है वो रन होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप आसानी से जो एक कैंपेन है वो क्रिएट कर सकते हैं अपनी यूट्यूब वीडियो को प्रमोट कराने के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करवा सकते हैं गूगल एड्स के थ्रू, और कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ और सब्सक्राइबर गेन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।